ऐसे एंडोर्फिन निकलना शुरू, एंडोर्फिन निकलना शुरू, क्रिएशन होनी बंद हो गई, फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स बंद हो गई और सेल कंस्ट्रेन हो गया, समाधि नहीं है। और जब समाधि है ना अभी बात, अब सामने से कहा किसने और भी प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा आ जाओ कोई प्रॉब्लम करने की बात नहीं, आ जाओ समान सामना करने शक्ति आ गई। और कोई कहता है वही आदमी ने थोड़े पे गाली दे दिया, इंसल्ट कर दिया, अच्छा वो कहता भाई साहब मेरी मदद कर दो, हाँ आइए 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 बैठे ना, तो पता ही क्या करना, तो ऐसे योग भी करें। आपको शक्ति आ गई, आ गई अच्छा आपको शक्ति आ गई तो मेरा चित्त कैसा हो गया, सातों एनर्जी का बैलेंस हो गया। नहीं तो क्या होता है, केवल ज्ञान तो मेरे अंदर बहुत है, पवित्रता नहीं, पवित्रता माना किसी लेनदार से लगाव झुकाव प्रभाव प्रभाव में आता हूं तो अपवित्रता है, किसी बात में क्या तो कैसे करना होता है अपवित्र, पवित्र तो आ गई किंतु शांति नहीं है, कोई ना कोई पास की बात में घूमती है तो शांति नहीं, शांति तो आ गई किंतु प्रेम नहीं, रूहानी प्रेम नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति है जिसको मैं माफ नहीं कर पा, प्रेम तो आ गया ये तो खुशी नहीं है, खुशी माना कोई कोई इच्छा बाकी है तो खुशी नहीं रहेगी, खुशी तो आ गई वो आनंद नहीं है, बाबा में बाबा की याद में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, लवली नहीं हो पाता, तो इससे सातों एनर्जी का बैलेंस नहीं हो पाता। तो जब आपको शक्ति आ जाती है सातों एनर्जी का बैलेंस, और जब सातों एनर्जी का परमात्मा सातों एनर्जी का बैलेंस है, सातों एनर्जी जितना ज्ञान है उतनी पवित्रता भी है, जितनी पवित्रता उतनी शांति भी है, जितनी शांति उतना रूहानी प्रेम भी है, जितना रूहानी प्रेम उतना हृदय सुख भी है, जितना हृदय सुख उतना आनंद भी है, उतना जितना आनंद उतनी शक्तियां भी है, इंसानों में नहीं, ब्राह्मणों में कभी बन रहे हैं इसे बने नहीं। जिस दिन सातों एनर्जी का बैलेंस आ जाएगा उस दिन हीलिंग एनर्जी, हीलिंग एनर्जी बन गई, हीलिंग एनर्जी बन गई माना मेरे हार्ट की आर्टरी का पता खुल गई, डायबिटीज डायबिटीज में ठीक कर रही, मेरी आंख खराब, मेरी आंख में चश्मा था, पता है मेरी आंख में चश्मा था, 43 इयर्स में चश्मा पहना, अब मेरे 8 महीने से चश्मा, 10 10 महीने से चश्मा खत्म हो गया मेरा, चल आपने कभी मेरे गले फोटो देखा हो चश्मे वाला, अभी चश्मा मेरे 43 साल में मैं चश्मा खत्म, तो मतलब मैंने कोशिश नहीं की चश्मा उतारने की, अपने आप उतर गया। तो बाबा से फिर आप हीलिंग एनर्जी जो आपके मन में सूक्ष्म इच्छा सूक्ष्म होकर अपने आप हील हो जाए, हार्ट की बीमारी ठीक हो जाए, कोई बीमारी चाहो तो उस कोई कहीं भी आप हीलिंग एनर्जी का प्रयोग अपने ऊपर कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, ये तो वही कर सकता है इसमें सातों एनर्जी का बैलेंस हो, खाली ज्ञान है सुनाने वाला बहुत, पवित्रता नहीं है, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव में बुद्धि फंसी हुई है, क्या आपको कैसे में बुद्धि फंसी हुई है, पास्ट की बातें भूलती नहीं है, भविष्य की चिंता रहती है, किसी को स्वीकार नहीं किया है, कोई मन में इच्छा है, तो सातों एनर्जी इम्बेलेंस है और वो हीलिंग कर सकता, भले कितना मर्जी हो तपस्या करे ठीक है, अपनी हीलिंग नहीं कर सकता, सातों एनर्जी का बैलेंस होगा तो हीलिंग होगा। तो जब ऐसा होगा तो मेरा चित्त शांत एकाग्र आनंद में होगा, जो दिल में वो चित्त में, इसलिए कहते सच्चित आनंद स्वरूप, परमात्मा सदा सच्चित आनंद स्वरूप है और देवता भी सच्चित आनंद स्वरूप है, सच्चा ब्राह्मण भी सच्चित आनंद स्वरूप है, ठीक है। तो जितना हम तपस्या करेंगे हमारा दिल कैसा हो जाएगा, जो दिल में ज्ञान है सत्य है आनंद है पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद है, वही मेरे चित्त में भी शांति शांत एकाग्र और आनंद में हो जाएगा। और जब मेरा चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे संस्कार मेरी जो फाइलें कौन सी खुलेंगी, कौन सी फाइलें खुलेंगी, मेरे संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की फाइलें, मेरे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की फाइलें, मेरे देवता स्वरूप की फाइलें, क्योंकि चित्त के आधार पर चिंतन होता है, मेरी मेमोरी की फाइल्स कौन सी खुलेंगी, ब्राह्मण स्व फरिश्ता स्व देवता स्वरूप की फाइलें, तो मेरी स्थिति कैसी महसूस होगी, चलते फिरते मुझे लगेगा ब्राह्मण,